हेलो डी स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर सेवन फोर क्लास सेवेंथ साइंस सब्जेक्ट है और ये वर्कशीट आपके लिए सिक्सटीथ ऑफ नवंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स उसमें आपको टेन एम सी दिए गए हैं जिनके आंसर हम डिस्कस करेंगे सो so वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए सो so, आज की जो वर्कशीट है ये थोड़ी सी आपको जो है इस ब्लर दी गई है ठीक है सो फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट ग्लैंड जो है वो कौन सा है ऑप्शन फर्स्ट गॉल ब्लैडर सेकेंड है पेनक्रियाज थर्ड है लीवर एंड फोर्थ रहेगा फूड पाइप सो जो लार्जेस्ट ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी में वो कौन सा है लीवर जो है वो लार्जेस्ट ग्लैंड है लीवर इज द राइट आंसर सेकेंड द डैश हेल्प इन मिक्सिंग फूड विद सलाइवा कौन सा ऑर्गन जो है वो फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करने में हेल्प करता है ऑप्शन फर्स्ट है स्टॉमक सेकेंड है टंग थर्ड है लीवर एंड फोर्थ रहेगा टीथ तो सही आंसर क्या रहेगा स्टमक और जो है हमारा वो जो है क्या करता है टंग जो है ठीक है टंग जो है वो क्या करता है वो सलाइवा फूड को सलाइवा के साथ जो है मिक्स करता है क्लियर सेकंड जो है इसका राइट right आंसर हो जाएगा नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री जो आपको दिया गया है विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव कैनाल इज़ इन्वोल्ड इन किलिंग ऑफ बैक्टीरिया कौन सा पार्ट जो है डाइजेस्टिव कैनाल का बैक्टीरिया को किल करने में इन्वॉल्व होता है ऑप्शन फर्स्ट है बकल कैविटी ऑप्शन सेकेंड टीथ ऑप्शन थर्ड है लीवर एंड ऑप्शन फोर्थ है स्टमक तो देखिए किलिंग ऑफ बैक्टीरिया में स्टामक का फंक्शन होता है स्टमक हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करता है जिसके कारण जो भी फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं बैक्टीरिया होते हैं जो जो है स्टमक में जाकर क्या हो जाते हैं मर जाते हैं तो स्टमक जो है इसका राइट right आंसर हो जाएगा फोर्थ इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर फोर्थ है डैश टीथ आर यूज फॉर कटिंग एंड बाइटिंग कटिंग एंड बाइटिंग के लिए जो है कौन से टीथ होते हैं ऑप्शन फर्स्ट है इंसीजर सेकेंड है प्रीमोलर थर्ड है केनाइन एंड फोर्थ है मोलर सही आंसर क्या रहेगा इसमें इंसीजर जो है वो राइट right आंसर हो जाएगा इंसीजर जो है वो कटिंग जो और बाइटिंग के काम आता है प्री मोलर मोलर वो चबाने के काम आता है केनाइन फाड़ने के काम आता है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है वाटर इज एब्बजॉर्ब फ्रॉम द अनडाइजेस्टिड फूड मेनली इन द जो अनडाइजेस्टिड फ़ूड होता है उसके अंदर जो वाटर होता है उसका एब्जॉर्ब जो है कौन से पार्ट के द्वारा किया जाता है ऑप्शन फर्स्ट है स्टोमक सेकेंड है फूड पाइप थर्ड है लार्ज इंटेस्टाइन फोर्थ है स्मॉल इंटेस्टाइन सो वाटर जो है वो कौन से पार्ट से एब्जॉर्ब होता है इट इज़ मेनली एब्जॉर्ब बाय द लार्ज इंटेस्टाइन थर्ड जो है इसका राइट right आंसर हो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन सो so, यहाँ से अगर मैच करें थर्ड का आंसर आपका यहाँ पे फोर्थ वन हो जाएगा फोर्थ का आंसर फर्स्ट रहेगा फिफ्थ का आंसर आपका थर्ड रहेगा क्लियर है तो यहाँ से आप अपने आंसर मैच कर सकती हो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स जो दिया गया है डैश इज़ कम्प्लीटली डाइजेस्टेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन शुगर फैट प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट कौन सा जो है कम्प्लीट डाइजेस्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में सो फैट इज़ कम्प्लीटली डाइजेस्ट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन ठीक है फैट इज़ कम्प्लीटली डाइजेस्टिड ये इसका आंसर हो जाएगा नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर सेवन डैश टेम्पररली स्टोर बाइल जूस बाइल जूस का स्टोर जो है वो आ, कौन स्टोर करके रखता है बाइल जूस को टेम्परि जो है कौन स्टोर करता है ऑप्शन फर्स्ट है गॉल ब्लैडर सेकेंड है फूड पाइप थर्ड है लीवर एंड फोर्थ वन इज पेनक्रियास तो सही आंसर क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा लीवर लीवर जो है वो बाइल जूस को टेम्प्रेली स्टोर करता है सो थर्ड विल बी द राइट आंसर ठीक है सिक्स का आंसर भी थर्ड रहेगा एंड सेवन्थ का आंसर भी आपका थर्ड रहेगा नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर एट करेंगे क्वेश्चन नंबर एट जो आपको दिया गया है अमीबा डाइजेस्ट इट्स फूड इन द अमीबा जो है वो फूड का डाइजेस्ट जो है वो uh, कैसे करता है बाय द फूड वेक्टल सेकेंड ऑप्शन सुडोपोडिया थर्ड है न्यूक्लियस एंड फोर्थ हैंड नन ऑफ द अबव सही आंसर क्या हो जाएगा अमीबा डाइजेस्ट इट्स फूड इन द फूड वैक्यूल फर्स्ट जो है इसका राइट right आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर नाइन है द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव मैनी फिंगर लाइक आउट ग्रोथ कॉल्ड जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर जो है आउट ग्रोथ होती है कुछ इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं तो इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रोजेक्शंस को क्या कहा जाता है ऑप्शन फर्स्ट है स्टॉमक सेकेंड है बकल कैविटी ठीक है नेक्स्ट है लार्ज इंटेस्टाइन एंड फोर्थ वन ऑप्शन रहेगा विलाय तो सही आंसर क्या रहेगा देखिए राइट आंसर रहेगा विलाय उनको क्या कहा जाता है उनको विलाई कहा जाता है जो कि एब्जॉपन में हेल्प करते हैं नेक्स्ट देखिए लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टेन क्वेश्चन नंबर टेन है डैश स्वेलो द ग्रास वेरी फास्ट एंड स्टोर इट इन चैम्बर कॉल जो कौन है जो घास को बहुत स्पीड से क्या करते हैं निगल जाते हैं और फिर उनको एक चैम्बर में स्टोर करते हैं उस चैम्बर को क्या कहा जाता है सो रूमिनेशन एंड रूमन रुमिनेट्स एंड रुमिनेशन रुमिनेट्स एंड रूमन एंड नन ऑफ दीज तो सही आंसर क्या रहेगा फोर्थ वन इसका सही आंसर रहेगा रुमिनट्स होते हैं जो ग्रास को स्वेलो करते हैं और फिर रूमन एक चैम्बर होता है जिसके अंदर वो स्टोर करके रखते हैं ठीक है तो फोर्थ वन इसका राइट आंसर हो जाएगा तो ये थी आपकी आज की साइंस की असेसमेंट वर्कशीट आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ